हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप डेल लैपटॉप यूज कर रहे हैं और उसके अंदर आपने विंडोज 10 इंस्टॉल करके रखा है या फिर 11 विंडोज इंस्टॉल करके रखा है, उसके अंदर आपको बायोस अपडेट करना है, वो कैसे करना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा जहां पर आपको प्रॉब्लम ना आए और आपका जो बायोस है, जो लैपटॉप का बायोस है, वो प्रॉपर अपडेट हो जाए। तो उसके लिए आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपका सिस्टम है उसका बिट लॉकर ऑन है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रन बटन पर जाना है, स्टार्ट बटन पर जाना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पर आपको और रन बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है CONTROL और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके सामने एक ऐसा विंडोज ओपन हो जाएगा। यहां पर अगर ऐसा विंडो आइकन नहीं आ रहा है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, यहां पर कैटेगरीज के अंदर जाएंगे और ये पहला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके रखना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडोज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर चेक करना है कि जो आपका सी ड्राइव का जो बिट लॉकर है वो ऑन है या ऑफ है। अगर यहां पर जैसे कि यहां पर ऑन दिखा रहा है तो इट मींस आपका जो बिट लॉकर है वो ऑफ है। अगर यहां पर ऑफ दिखा रहा है लिखा हुआ, यहां पर जैसे कि ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, तो इट मींस आपका जो बिट लॉकर है वो ऑन है, उसको आपको ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो मेरी वीडियोज के अंदर। अगर यहां पर ऑन है आपको ऑफ रखना है, यहां पर ऐसा दिखना चाहिए आपको टर्न बिट लॉकर ऑन, इट मींस कि आपका बिट लॉकर है वो ऑफ है अभी। ठीक है, तो आपको ये मेक श्योर करके रखना है। इसके बाद आप यहां क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। सेकंड में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये तो हो गया एक, आपको ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो आपका लैपटॉप है यहां पर जो ये बैटरी है आपका चार्ज होना चाहिए, 80% से आपका यहां पर चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर 80% से कम है तो फ्रेंड्स आपको ये चार्ज कर लेना है आपको 80% तक। ठीक है, ये 100% करके रखा है मैंने ताकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो आपको भी ये चार्ज करके रखना है फुल आपका। ठीक है, थर्ड चीज आपको क्या करना है, जो आपका एसी केबल है, जो ये आपका ये पावर केबल है, ये आपको लैपटॉप के साथ अटैच करके रखना है, पावर ऑन करके रखना है। बैटरी पर आपको ये बायोस है वो अपडेट नहीं करना है, ओनली बैटरी पर। अगर आपका ओनली बैटरी पर चल रहा है लैपटॉप, उस पर आपको बायोस अपडेट नहीं करना है। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे बायोस अपडेट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है, जैसे कि मैं ये मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। उसके बाद आप फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये गूगल ओपन कर लेना है आपको आपके ब्राउजर के अंदर, और यहां पर आपको टाइप करना है जैसे कि आपका डेल लैपटॉप है और आप डेल लैपटॉप के लिए ही जो आपका बायस है उसको अपडेट कर रहे हैं, तो हम लोग उसको ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। ड्राइवर बायस का जो ड्राइवर होता है वो हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो यहां पर डेल SUPPORT सर्विस, आपको यहां पर ये सर्च करना है और एंटर कर देना है कीबोर्ड से। ओके, तो फ्रेंड्स आपके सामने ये ऐसा साइट ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहां पर आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। ओके, यहां पर आपको चेक करना है कि जो आपका लैपटॉप है उसका जो बायोस का वर्जन क्या है। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर स्टार्ट बटन पर जाना है, रन पर क्लिक करना है, यहां पर आपको टाइप करना है MS Info 32। ओके, और ओके बटन पर क्लिक कर देना है।
तो फ्रेंड्स यहां पर देखोगे जो आपका लैपटॉप है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखा देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका बायोस है उसका आपको वर्जन नंबर चेक करना है कि आपका जो बायोस है उसका वर्जन नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो आपका बायोस, जो बायोस का वर्जन है ये यहां पर है डेल एनआईसी 1.5.0। ओके, ये आपका बायोस का वर्जन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी बंद कर देंगे। यहां पर फ्रेंड्स आप देखोगे जो आपका लैपटॉप है डेल साइट, जो आपका डेल लैपटॉप है उसका सर्विस टैग और मॉडल नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर आप जैसे ही आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट पर क्लिक करते हो, जो ये सर्च ऑप्शन है यहां पर आप क्लिक करते हो, तो आपका जो ये लैपटॉप है मॉडल नंबर आपको जो सेम है यहां पर इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है, यहां पर वो दिखा देगा। अगर यहां पर नहीं दिखा रहा है तो यहां पर आप उस पर क्लिक कर सकते हो, यहां पर। ओके, यहां पर क्लिक कर दीजिए आप, अगर ये ऐसा नहीं मिल रहा तब। तो अभी मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हो कि इसने जो मेरा लैपटॉप है यहां पर ड्राइवर का एक डाउनलोड का टैब दिख जाएगा आपको, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको, यहां पर दिखेगा आपको मैन्युअली फाइंड ए स्पेसिफिक ड्राइवर फॉर योर सिस्टम, जो सिस्टम है आपका लैपटॉप है उसका ये वर्जन है मॉडल नंबर। तो यहां पर आपको फाइंड एंड ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। यहां पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यहां पर दिखा देगा, यहां पर जो आपका लैपटॉप है आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, ड्राइवर आपको चाहिए तो यहां पर आप ड्राइवर पर क्लिक कर दीजिए, सिस्टम बायोस। यहां पर आपको सिस्टम का जो बायोस है यहां पर ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद आपको यहां पर कैटेगरी के अंदर बायोस सिलेक्ट करना है। ओके, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ये वाला 5567 पर क्लिक करना है। यहां पर जो आपका डेल लैपटॉप है उसका जो बायोस का ड्राइवर है यहां पर आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको चेक करना है कि जो आपका लैपटॉप था यहां पर ये वही वर्जन है जो हम लोगों ने अभी चेक किया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हो तो यहां पर ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ये आपको आपके जो डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगा, ये डाउनलोड फोल्डर है इसके अंदर मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर राइट क्लिक करना है, यहां पर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, उसको राइट क्लिक करने के बाद ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर बोल देना है आपको। यहां से आपको पूछ रहा है कि बायोस अपडेट प्रोग्राम, ठीक है, तो आपको यहां पर ओके बटन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कई बार क्या होता है ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है या फिर आपको मैन्युअली करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। यहां पर जो आपका बायोस अपडेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये अपने आप रिस्टार्ट हो गया है। कभी कभी ये आपसे पूछता है कि आपको रिस्टार्ट करना है, तो आप वहां पर रिस्टार्ट का एक बटन मिलेगा आपको, उसको रिस्टार्ट कर दीजिए। यहां पर जो आपका बायोस का अपडेट है वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहां पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि यहां पर अपडेट हो गया है हमारा बायोस और वो अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा आपका मशीन। सो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आपको बायोस कैसे अपडेट करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल
और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी किसी भी लैपटॉप या किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।